नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। इस वक्त मैं केसरपुरा के नेमतपुरा, एक छोटा सा गांव है, वहां पर हूं। वहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्कूल के अंदर में ग्राउंड जीरो पर जो ये तस्वीर है जो आपके सामने कैमरा मैन दिखाई, यहाँ पर जो ये आपके सामने है, किस प्रकार से यहाँ पे ये मिट्टी है जो एक पूरी तरीके से निकल चुकी है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्थिति है। नेता वादे तो बहुत करते हैं चुनावी भाषणों में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अक्सर वो वादे कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाते हैं, वैसा होता नहीं है। उस समय क्या कहा जाता है कि जो विकास की आपको गिनाए जाते हैं, वैसा कहाँ होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है। ग्रामीण ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे बच्चे इस तरीके से हैं जो उनको प्यास लगती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नज़दीक में कोई पानी पीने का यहाँ पे साधन है नहीं। ऐसे ही देखते हुए इस प्रकार से मैं यहाँ पे आज केसरपुरा में आया हूँ। यहाँ जनता है, यहाँ ग्रामीण है केसरपुरा की, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है आखिर उनकी और इस समस्या के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप यहाँ आए सभी खान जी, आपका वेलकम। हमारा वीडियो देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आपने देखा, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। समस्या 3 साल से हम एक टांके की मांग कर रहे हैं और ये टांका आपके सामने है, और सरपंच साहब को हमने कई बार कह दिया, लेकिन वो कह रहे हैं बस कुछ दिन, कह रहे हैं हमने प्लान में ले लिया, और कुछ दिन कह रहे हैं जल्दी बना देंगे, लेकिन 3 साल से कोई समस्या हल नहीं हुई। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा यहाँ एक प्रोग्राम था वार्षिक उत्सव, उसमें सरपंच वगैरह प्रतिनिधि काफ़ी आए थे। उसमें हमने ये बात की थी कि बोलो क्या समस्या है, तो हमने कहा भाई ग्राउंड तो हमने ये बच्चों के लिए मैदान तो बनाया है हमने गाँव वालों ने, लेकिन टांका हमें बहुत ज़रूरत है, बच्चे घर से पानी लेकर आ रहे हैं, तो ये रेस्ट में बच्चे मैंने देखा पानी लेने के लिए, मैंने कहा भाई रेस्ट हुई है अभी तक, आप कहाँ जा रहे हो? तो जब उस टाइम मैंने जो वो वीडियो आपने देखा सोशल मीडिया पर, मैंने बच्चों को कहा ये आप किधर जा रहे हो, रेस्ट हुई है, छुट्टी थोड़ी हुई कि नहीं, हम घर जा रहे हैं पानी लेने के लिए। और बच्चे घर जा रहे हैं पानी लेने के लिए तो वो वापस आएंगे, बच्चे शिक्षा में ध्यान देंगे या अपनी पानी की बोतलों में ध्यान देंगे? तो ये कब से आपकी ये समस्या कब से है? ये पहले तो ये इस टांके की स्थिति कब से? ये टांका जब से ये स्कूल बनी है उसके साथ साथ में बना था, ये क्या है 3 साल में ये कमजोर हो गया था, 2 साल हमने रिपेयरिंग करवा कर ये वापस इसमें काम लिया, और अब ये 3 साल हो गए बिल्कुल ये ऐसे पड़ा है, वो सामने टांका लग रहा है, कभी खाते हैं और कभी जो खाना बनाने वाली है बच्चे कहाँ आते हैं, अपने घर से पानी लेके आते हैं, तो हम कह के थक गए, हमें यहाँ पर गाँव के मुखिया लोग को हमारी बात सुनी नहीं, फिर परेशान होकर के ये बच्चों के हालात देखे, तब मैंने ये वीडियो बनाया, और इस टाइम ये निकाल रहे थे मिट्टी वगैरह में, क्या कर रहे हो तो क्या धंधा करेंगे फिर करेंगे, आप तो कुछ करते नहीं हो। उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ और मैंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। प्रकार से ये स्थिति है जो आपके सामने है, कैमरा मैन दिखाइए, यहाँ पर ये पट्टियाँ हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहीं के स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पे उनकी पट्टियाँ हैं जो ऊपर से नीचे ली है, क्योंकि ये इतना जर्जर हो चुका था, इतना कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि बच्चे हैं जो इसके अगर ऊपर कोई चढ़ जाता है भूल चूक से भी तो उनके टाँके के हैं जो अंदर ना गिर सके। इसलिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या समस्या आपकी किस प्रकार से आ रही है? पानी की खूब हमारे समस्या है, सरपंच साहब ने काफ़ी बार कह चुका मैं कि टोंको या तो नवो दे दो और नहीं है तो पुराना जो पास तैयार करा दो, और मोर नेमतपुर स्कूल के अंदर आने रास्ता नहीं है, 50 बार कह चुके हमें, एक गाड़ी रोड चलती उसी टाइम मैंने कि 50 फुट का एक फोटा स्कूल के अंदर है जो को ले लेना, तो अगर कल लेंगे परसों लेंगे वो कर दे नहीं दिया, और घरों में जो कोई फोटा साइज दे नहीं 150-150 फुट 200-200 फुट दे दिया, और स्कूल में 5 फुट फोटा भी नहीं दिया, हमारे जो कोई कहने की सुनाई नहीं सुन रहा है सरपंच साहब। विधायक कौन है आप? विधायक हमारा विधायक हरी चौधरी है। विधायक साहब ने कभी क्यों नहीं किया, उनको शिकायत नहीं करी? तो की कहना चाहो भी उन्होंने, हमें क्यों मैं कि भाई हमारे जल्दी है जल्दी उसके लिए सुधार करो। हरीजी के पास जाते हैं तो वहाँ संतुष्ट होकर आते हैं, हरीजी ने कई बार किया अगर कोई भी काम हो तो आप सरपंच से बात कर लेना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सरपंच को कहकर परेशान हो गए, अब जहाँ अब कई बार हरीजी आते हैं तो मिलने के लिए हम काफ़ी बार जाते हैं, पूछते हैं सर हमारी ये समस्या है, बोले सरपंच साहब इनके बारे में कि साहब मैं कल कर दूंगा परसों कर दूंगा, आप भी अभी फोन लगा कर तुम्हारा कर लो, आपको यही कहेंगे बस सुबह हो जाएगा, आप 10 दिन के बाद आ जाना, यही हालत मिलेगी आपको। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे
एक पोस्ट है जो आती है, उस पोस्ट के माध्यम से मैं देखता हूँ। और आज मैं जिस तरीके से यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर जो सोशल मीडिया पर देखा था वो आखिर सच साबित हुआ। सच साबित इसलिए हुआ क्योंकि आप मोबाइल की स्क्रीन पर अपने जो देख रहे हैं, जो आप स्थिति आपके सामने, ब्यूरो रिपोर्ट, एस के जे टीवी, केसरपुरा, नेमत।